उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चार हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की एक खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलंदशहर के बराल गांव में कुछ बदमाशों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। इस घटना से जोड़कर सोशल मीडिया यूजर्स ये वीडियो शेयर करने लगे और दावा किया गया कि बुलंदशहर की इस घटना के पीछे मुस्लिम समुदाय का हाथ है। अक्सर सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां शेयर करने वाला ट्विटर अकाउंट हम लोग वी द पीपल ने ये वीडियो क्लिप ट्वीट की और दावा किया कि इस घटना को जिहादियों ने अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फॉलो किए जाने वाले ट्विटर ब्लू यूजर बाला ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए इस घटना के पीछे मुस्लिम समुदाय के होने का इशारा किया। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने भी इस घटना के बारे में डिबेट रखी थी जिसका टाइटल था बुलंदशहर में औरंगजेबी गैंग। वहीं आज तक से जुड़े पत्रकार और एंकर सुधीर चौधरी ने भी इस घटना को कम्युनल एंगल देने की कोशिश की थी। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती और बड़े दुख की बात है। वहीं और भी कई यूजर्स ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए इसे सांप्रदायिक रंग दिया। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू की। हमें घटना के बारे में दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट मिली। इसमें बताया गया है कि बुलंदशहर में मूर्तियों को तोड़ने वाले आरोपियों ने बताया कि खंडित मूर्तियों की पूजा होने की वजह से उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया था। रिपोर्ट में आरोपियों की पहचान बराल के निवासी हरीश शर्मा, शिवम, केशव और अजय के रूप में की गई है। बुलंदशहर के SSP श्लोक कुमार ने इस घटना के बारे में ये कहा। 31/1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में ये नोटिस जारी की थी, जिसमें आरोपियों के नाम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के जैसे ही दिए गए हैं। बुलंदशहर में मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की पहचान सामने आने के बाद आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी ने वीडियो फिर से ट्वीट करते हुए मामले की सफाई दी। UP पुलिस को ये पता चला कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले किसी और धर्म के नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ही 4 लोग थे। इनमें मुख्य आरोपी का नाम है हरीश शर्मा और बाकी आरोपियों के नाम है शिवम, केशव और अजय। हमारे देश में जब किसी मंदिर पर इस तरह का कोई हमला होता है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यह हमला किसी दूसरे धर्म के लोगों ने किया होगा और लोग इस बात की कभी कल्पना भी नहीं करते कि कोई हिंदू ही खुद हिंदू मंदिरों में इस तरह की हिंसा करेगा, तोड़फोड़ करेगा। लेकिन ये सच है कि इस घटना में ऐसा ही हुआ है और आज बात सिर्फ इस घटना की नहीं है, पूरी दुनिया में शायद हिंदू धर्म ही अकेला ऐसा धर्म है जिसे मानने वाले लोग ही इसकी आलोचना करते हैं और अपने धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं पर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। यानी बुलंदशहर में बराल गांव में कुछ युवकों ने मंदिर में मूर्तियों में तोड़फोड़ की थी। इस घटना को सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर मीडिया चैनल्स ने कम्युनल एंगल देने की कोशिश की, लेकिन असल में आरोपी उसी गांव के हिंदू लड़के थे।